बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू अल्केमिस्ट। आज हम लोग जिस टॉपिक का फर्स्ट ईयर से जो है वो तस्करा करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आवर रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो आइंस की बात जो है वो की थी, और ये टॉपिक उसी के आगे कंटिन्यूएशन में जो है वो आएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली क्या होता है और ये हमें किस तरीके से जो है वो हेल्प आउट जो है वो करेगा कि क्या हम लोगों ने जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करनी है, यहाँ पर हमारे से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो क्या आते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जो है वो हम लोग आज काउंटर करेंगे इंशाल्लाह। विद इन दिस वीडियो आप लोगों का रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गौर करें अगर इन्हीं तीन अल्फाज के ऊपर, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इन तीन अल्फाज को जो है वो ब्रेक डाउन जो है वो कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमें समझाया जा रहा है। देखें, रिलेटिव के लफ्ज को थोड़ी देर के लिए साइड पे करें, एटॉमिक मास को देखें। एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज एन एटॉमिक मास? किसी भी एटम के वेट को, वजन को, मास को हम लोग जो है वो एटॉमिक मास का जो है वो नाम देते हैं। ओके, हो गया, गुड। नाउ इसी को रिलेटिव के साथ जो है वो हम लोग जो ज्वाइन करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिये, अब एटम का वजन जो है वो इतना कम है, इतना माइन्यूट है कि हम लोग उसको एग्जैक्टली जो है वो मेजर जो है वो नहीं किया जा सकता। मतलब आपके पास क्या कोई बैलेंस है या कोई आप लोगों के पास ऐसी कोई फिजिकल ऑपरेटर है जिसको आप लोग यूज करेंगे और आप लोग उसकी मदद से जो है वो एक एटम का वेट जो है वो मालूम जो है वो कर लेंगे? जी नहीं। तो फिर क्या किया गया जी? फिर कंपेरिजन जो है वो किए गए। कंपेरिजन से मुराद क्या है? हमारे पास साइंटिस्ट ने कार्बन, जी कार्बन जो है उसका वेट जो है वो फाइंड आउट जो है वो किया गया। कार्बन 12 यानी कि 12 आइसोटॉप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग कवर अप करेंगे। कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसका वेट जो है वो मास जो है वो मालूम किया जी। उन्होंने कहा कि इसका जो मास है दैट इज इक्वल्स टू 12 AMU। ये AMU क्या है, अभी थोड़ी देर तक इसका जिक्र जो है वो करते हैं जी। कार्बन 12 का उन्होंने कहा कि मास जो है वो 12 AMU है। तो फिर उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता तमाम एटम्स को इसके साथ कंपेयर करके बाकियों का वजन जो है वो मालूम करना शुरू किया। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आई होप सो ये रिलेटिवली थोड़ा सा इजी जो है वो हो जाएगा। या फिर एक स्टेटमेंट जो है वो लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट से समझाना बात को थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पर सबसे पहली लाइन जी देखें कि हाइड्रोजन इज 12 times lighter than कार्बन। ठीक है, क्या जी? के हाइड्रोजन 12 गुना हल्का है कार्बन से। तो अब इससे पता क्या चल रहा है जी? देखिए, हमें मालूम है कि जो कार्बन है उसका मास इनके पास कितना था जी? उनका मास कार्बन का था हमारे पास 12। और फिर हम लोग दूसरी तरफ ये बात भी कर रहे हैं कि कार्बन 12 गुना सॉरी हाइड्रोजन 12 गुना हल्का है। हल्का है तो क्या करें जी? हल्का है तो डिवाइड कर लें। डिवाइड करने से मुराद क्या है जी? कि अगर आपके पास 12 है वेट इसका, तो आप लोग इसको 12 के साथ ही डिवाइड करें, दैट विल बी इक्वल टू 1। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आ जाता है? दैट इज इक्वल टू 1। ये रिलेटिव है। रिलेटिव से मुराद क्या है? कि हम लोगों ने कंपेरिजन किया, हम लोगों ने जो है वो देखा है कि इसका वजन कितना है और हम लोगों ने इसको कंपेयर किया कार्बन के एटम के वजन के साथ, तो एक आपके पास रिलेटिव वैल्यू जो है वो मालूम हुई है। उससे हम लोग जो है वो पता चला रहे हैं कि कितना वेट जो है वो होगा। फर्दर मोर अगली लाइन के ऊपर चले, एक और एग्जाम्पल की बात जो है वो यहां पर करते हैं। ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि मैग्नीशियम इज 2x हैवियर देन कार्बन। मैग्नीशियम 2 गुना भारी है कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन का वेट तो हमें ऑलरेडी मालूम है, हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ है जी 12। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 2x और दूसरे के साथ लिखा हुआ है हैवियर, मतलब 2 गुना भारी है, यानी कि 2 गुना ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करना है जी। कार्बन का वजन है 12 और 2 गुना भारी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 24। यानी कि मैग्नीशियम का वेट हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 24। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास जी। हम लोग क्या करते हैं,
कि हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ और उनकी जो वैल्यूज हमारे पास निकलती है उसी से हम लोग जो है वो उनके मैसेज जो है फाइंड आउट करते हैं। सो अब हमारे पास एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है कि एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, उसको हम लोग डिफाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। द डिफाइन सेज के द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है, ये एक डिफाइन जो है वो हमारे पास इसकी आती है। हम इसी डिफाइन में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालते हैं और दोबारा गो थ्रू जो है वो करते हैं। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम का वजन, ठीक है जी, कब, जब उसको कंपेयर किया जाए, किसके साथ जी कंपेयर करना है जी, किसी ऐसी चीज के साथ कंपेयर करना है जिसकी वैल्यू मालूम है। तो जी कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, टू द मास ऑफ, किसके मास के साथ, कार्बन के मास के, जी कितना मास है उसका, जी 12 है। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लें, क्या है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। इसको याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंसिडर होता है। ठीक है, के आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या जो है वो होता है। हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो इसकी देखते हैं कि किस किस एलिमेंट का क्या क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो आगे चल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर अपनी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए कुछ 4 या 5 एग्जाम्पल्स जो है वो लेता हूं। हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, हम लोग इसी तरह बात करते हैं सोडियम की, इसी तरह क्लोरीन को जो है वो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है जी, जी हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.008 AMU। सोडियम का कितना है, 23 AMU। क्लोरीन का 35.5 AMU। इसी तरह सल्फर, दैट इज इक्वल टू 32 AMU। एंड एक और एग्जांपल यहां पे ऐड कर ले, मैग्नीशियम, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 24 AMU। ठीक है, तो ये सब जो है ये इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो है वो कंसीडर जो है वो किए जा रहे हैं। और तरीका क्या है जिसे निकाले गए, सेम वही तरीके जो हमारे पास जो है वो मौजूद जो है वो है। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या गौर करना है कि आपको एक लफ्ज जो है वो दिखाई दे रहा है, दैट इज AMU। ये AMU क्या है, अभी इसकी बात करते हैं और इसको जो है वो हम लोग ओपन करके थोड़ा सा डिस्कस जो है वो करते हैं। एक मेरे पास बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, एक जिसको ट्रिक कह सकते हैं, मैं उस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो ये समझाता हूं, तो आप लोगों के लिए भी वही वाला तरीका इस्तेमाल इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। AMU की डिफाइन क्या है, AMU इज अ वेरी ट्रिकी डिफाइन। अक्सर औकात जो टीचर हजरात हैं वो डिफाइन तो बच्चों को तैयार करवाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से तैयार करवाते हैं, लेकिन वो जब बच्चे पेपर के अंदर लिख के आते हैं ना तो वो गलत चीज लिख के आ जाते हैं। व्हाट इज एन AMU, नजर डालें, AMU इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा इस बात को, AMU इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। अब जब क्वेश्चन पेपर में आएगा कि व्हाट इज AMU, तो बराए मेहरबानी ये मत लिख के आ जाइएगा कि एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड एज AMU। बात दुरुस्त है, पर वो तो आप सिर्फ एक एब्रीविएशन बता रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, आप ये तो नहीं बता रहे कि क्या है। अब डिफाइन की तरफ चलते हैं कि AMU क्या होता है। AMU इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। बस ये 5-6 हरूफ की डिफाइन है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज AMU। अब इसको समझें कैसे, अब इसको याद कैसे करें, याद तो चले ठीक है हो जाएगा, ओके है, गुड है,
रटा लगा लेंगे हम लोग, लेकिन इसको समझना भी तो है कि ये कह क्या रहा है। वापस चले, ये लेट्स सपोज आपके पास एक अदद, एक एटम जो है वो मौजूद है कार्बन का, ठीक है। इसका वजन कितना है, अभी बार बार करके आ रहे हैं कि इसका वजन 12 होता है, तो यहां पर कहा गया वो 1/12। आप एक काम करें कि इस कार्बन एटम को 12 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड करें, ठीक है। हम लोग इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करते, 2, 4, 6, 8, 10 और ये रहा जी 12, ठीक है। तो हम लोगों ने एक कार्बन एटम को जो है वो 12 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया। अब नजर दौड़ा है, मैं हाईलाइट करता हूं ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो, इसको देखने की कोशिश करें। आई होप सो आपको क्लियरली नजर भी जो है वो आ रहा होगा, मैं इसको एरो से भी जो है शो करता हूं। ये वाला एक हिस्सा यानी कि कार्बन को मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, 12 हिस्सों में तकसीम किया है, जो एक हिस्सा है, जो एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज 1AMU, ठीक हो गया। सो व्हाट इज एन AMU? 1/12 पाल जी, कार्बन के एटम का भी आगे से 12वां हिस्सा जो है वो हमारे पास जो है वो AMU जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको याद करना है, ये यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ जाते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, नेक्स्ट थिंग के एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या है और उसकी डिफाइन जो है वो क्या है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली एक डिटेल टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर जो है वो कवर किया। आई होप सो कि इसका कंसेप्ट जो है वो हमारे पास रिलेटिवली जो है वो क्लियर होंगे। हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल्स क्या है, हम लोगों ने इसी तरह इसकी डिफाइंस और एटॉमिक मास यूनिट को जो है वो डिस्कस किया। एट द एंड यहां पर आपको एक और छोटी सी चीज जो है वो बताना जो है वो जरूरी समझूंगा कि आप जब एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर ये वाला क्वेश्चन कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, ये वहां पे मिलेगा। हम इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग एक दिन इंशाल्लाह एक्सरसाइज को लाजमी जो है वो देंगे, वहां पर इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में से जो है वो स्टडी करेंगे, वहां पे आपको मैं इस वीडियो का हवाला जो है वो लाजमी देना जो है वो बेहतर समझूंगा। सो ये आज हमारी वीडियो का इख्तिताम होगा यहां पर।